हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सप्लेनेशन एंड वी हैव सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट बुक की जो सॉल्व एग्जांपल्स थी। आज हम लोग अपना जो प्रैक्टिस सेट 14.2 है आपके टेक्स्ट बुक में पेज 93 पे 14.2 है, इसे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए हम लोग इसके पहले हम लोगों को जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उसे रिकॉल करना, रिवाइज करना, लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले थे? पहला फॉर्मूला था हमारे पास ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन, ठीक है। सेकेंड, ये अमाउंट मालूम होगा हमारा। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, ये दो ही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। और इसमें पी इज प्रिंसिपल, जो हम लोग अमाउंट बोरो करते हैं वो था पी। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और एन इज नंबर ऑफ इयर्स पीरियड, कितने वक्त के लिए, कितने टाइम के लिए बोरो किया हुआ है। हाँ, और अमाउंट तो जो हमें रिटर्न करना होता है विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये अमाउंट होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। और इसके बाद हम लोग एक और चीज़ थी कि जब यही सेम फॉर्मूला जो होता है हम लोग कोई भी डेप्रिशिएटेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी कंसिडरेशन में लेते हैं तो सेम फॉर्मूला होगा, बस उसमें जो रेट होगा उसे हम लोगों को क्या करना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। इतना सिर्फ रिकॉल करना है। इसके बाद हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 14.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वेयर 320 वर्कर्स इनिशियली। द नंबर ऑफ वर्कर्स वेयर इंक्रीज्ड बाय 25% एवरी ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स। इनिशियली कोई भी चीज़ दी हुई होती है, अमाउंट है, नंबर्स है, तो वो हमेशा पी होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है, एन इज 2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए। सिंपल फॉर्म क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसे लिख लेंगे। 14.2 क्वेश्चन नंबर 1, पी क्या दिया हुआ है, पी इज थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी। इनिशियली वर्कर्स कितने थे, 320। उसके बाद रेट कितना दिया हुआ है, रेट इज 25%, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन दिया हुआ है कितना, एन इज 2 ईयर्स and we have to find out A. First of all write the formula, A is equal to P 1 plus R upon 100 raised to N. Then put the values, 320 1 plus 25 upon 100 raised to 2, ठीक है। इस फ्रैक्शन को यहीं सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या इसे डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी कर सकते हैं। दोनों मेथड में आपको बता रही हूँ, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप करें। सबसे पहले 25 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, 25 1 ज़ा 25 25 4 ज़ा 100, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा, अब ये 320 1 प्लस 1 upon 4 raised to 2, ठीक है। कितना हुआ, 325 5 4 1 ज़ा 4
फोर प्लस वन फाइव अपॉन फोर रेज टू टू, या जो पहला मेथड था वन प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड, डिनोमिनेटर सेम करेंगे हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड, कितना आएगा हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड, कैंसिलेशन होकर फाइव अपॉन फोर, ठीक है सेम आएगा। आप या तो इस मेथड से करें इसे सिंप्लीफाई, या इस मेथड से करें, आपको जो भी इजी लगता है। अब आगे प्रोसीजर इसका करना है फाइव अपॉन फोर इंटू फाइव अपॉन फोर, ठीक है सिंपल कैलकुलेशन है ये। फोर वन ज़ा फोर एट ज़ा थर्टी टू, ज़ीरो फोर वन ज़ा फोर टू ज़ा ज़ीरो, ठीक है ट्वेंटी इंटू फाइव इंटू फाइव, ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव टू ज़ा फिफ्टी, और ये ज़ीरो का ज़ीरो, ठीक है फाइव हंड्रेड आंसर आ गया हमारा। ये तो मैथमेटिकली आंसर आ गया है, ओके। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में हमको आंसर भी वर्डिंग्स में लिखना होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर टू ईयर्स, तो 500 विल बी द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर टू ईयर्स, ठीक है ये सॉल्व हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी सबसे पहले रीड करेंगे क्वेश्चन क्या है। अ शेपर्ड हैज 200 शीप विथ हिम, फाइंड द नंबर ऑफ शीप विथ हिम After 3 years, if the increase in number of sheep in is 8% every year, ठीक है यहाँ पे भी जो इनिशियली उसके पास शीप थी वो 200 थी जो p हो गई, find the number of sheep after 3 years, n is 3 हो गया and rate is 8%, ठीक है अब वो यहाँ पर information लिख लेना है हमें। P क्वेश्चन नंबर टू, P इज 200, N इज 3, R इज 8% एंड A इज व्हाट, ठीक है समझ में आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में से फॉर्मूला लिखेंगे A P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन, पुट द वैल्यूज 200, 1 प्लस आर कितना है 8 अपॉन 100 रेज टू 3, ठीक है इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 फोर ज़ा 8, 2 फाइव ज़ा 10, 0, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, तो ये अब कितना हो गया 200, 25 प्लस 2 अपॉन 25, ठीक है ये यहाँ पे रफ वर्क में मैं फिर से आपको इसका कैंसिलेशन बता देती हूँ। 2 फोर ज़ा 8, 2 फाइव ज़ा 10, 0, 2 टू ज़ा 4 एंड 2 टू ज़ा 4 एंड 2 फाइव ज़ा 10, तो ये कितना हो गया 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25, ये 3 टाइम्स था। अब ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है आपको, ठीक है लेकिन बच्चों घबराना नहीं, इस बड़े से कैलकुलेशन को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना बताती हूँ। आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, ध्यान दें मैं किस तरह से कर रही हूँ। सबसे पहले ये 25 और ये 200 को हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 फोर ज़ा 20,
ज़ीरो एंड फाइव, फाइव ज़ा 25, ठीक है। अब उसके बाद ये 25 को पिक करेंगे, हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं इस 5 को, 5 वन ज़ा, 5 एट ज़ा, लेकिन नहीं, हम 25 को कैंसिल करेंगे क्योंकि ये बिगर नंबर फिर शॉर्टर हो जाएगा। तो 5 फाइव ज़ा 25, 5 एट ज़ा 40। अब कोई और कैंसिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगी, पूरा जो मेरा जितना भी रिमेनिंग है 5 इंटू 5 एंड ये 25, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग इसको पूरे को 8 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 देन डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 25 जो 625 होता है, तो बहुत लेंदी डिवीजन हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत इजी तरीके से ये सॉल्व करने करके दिखाने वाली हूँ, सो आप बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर्स हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लें और अलग अलग लिख लें, ठीक है। तो 27 इंटू 8 कितना होगा, 27 इंटू 8 कितना होगा, 216 अपॉन 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25। 27 इंटू 27 कितना होता, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 729। और जिन बच्चों को इन स्क्वायर्स याद रहते होंगे तो उनके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 729। अब क्या करना है मुझे, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे इसको 216 को भी 25 से डिवाइड करना है और 725 को भी 25 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगी, फटाफट मैं जल्दी से 25 का टेबल बना लूँगी। 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, 25 थ्री ज़ा 75, 25 फोर ज़ा 100। 25 का टेबल वैसे भी बहुत इजी होता है बाहर करने के लिए भी और बनाने के लिए भी। तो 150, 25 सेवन ज़ा 175, 25 एट ज़ा 200, 25 नाइन ज़ा 225, ठीक है। मुझे दोनों बड़े नंबर्स को 25 से डिवाइड करना है, इसलिए मैंने टेबल पूरा बना लिया है ताकि मुझे डिवीजन करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सबसे पहले तो मैं ये जो 216 है इसे 25 से डिवाइड करूँगी। तो मैं रफ वर्क में यहाँ आपको ये भी डिवीजन भी बता रही हूँ, 216 डिवाइडेड बाय 25, 216 है तो मैं 200 लूँगी क्योंकि 225 बड़ा हो जाएगा। तो 25 एट ज़ा 200, अब 16 बचा है, डिवीज़न नहीं होगा तो पॉइंट डालेंगे, पॉइंट डाल के मैंने ज़ीरो डाल दिया। तो 25 सिक्स ज़ा 150, 25 सिक्स ज़ा 150, ठीक है। अब एक बार जब हम लोग डेसिमल डाल देते हैं तो हम लोग ज़ीरोस पुट करके फर्दर डिवीज़न करते जाते हैं, ये आपको पता होगा। 25 फोर ज़ा 100, ठीक है, ये फुल डिवाइड हो गया। तो मेरा आंसर कितना आया, 8.64, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या करना है, 729 को 25 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, देखें 729 किससे, 25 से डिवाइड करना है, ठीक है। 72, तो 75 तो बड़ा हो रहा है तो 2 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 12 20, 7 में से 5 गया 2, 9 कैरी हुआ, 229, 229 तो 9 ज़ा जाएगा, 225, 9 ज़ा 225, कितना आया ये 4, ठीक है। अब ये ज़ीरो लगा दूंगी मैं,
229, 4 0 लगा दिया मैंने। 0 लगाने के बाद ये डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाने के बाद 0 लगाने के बाद 1 ज़ा 25, कितना रिमेनिंग हुआ? 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ये 0। अब 156, 6 आता है 150, ये भी फुल डिवाइड हो गया। तो इसको डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिला? 29.16, ठीक है। अब सिंपल हो गया ये। अब जस्ट ये दोनों नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 29.16 मल्टीप्लाइड बाय 8.46। ये कंप्लीट मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 251,0424। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये तो आई होप आता ही होगा आपको। ये 1, 2, 3, 4 के बाद डेसिमल लगाना है, 1, 2, 3, 4। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 251.04। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शीप पूछा है, तो मैं डेसिमल में आंसर नहीं दे सकती हूँ, है ना। नंबर ऑफ शीप्स 200 होंगे, 240 होगा, 230 होगा, 251.04 तो शिप नंबर ऑफ शिप नहीं हो सकते ना। तो अप्रोक्सीमेशन आंसर आएगा 252, ठीक है। ये आ गया कैलकुलेशन समझ में आपको। अब वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमको वर्ड में, वर्डिंग्स में आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शिप विल बी 252, ठीक है। ये देख लिया पूरा, ये जो बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा था बच्चों, मैंने आपको कितने सिंपल तरीके से सॉल्व करके बता दिया है, ओके। 25 से जस्ट दो बार डिवाइड करना है इसको और फिर लिख देना है आंसर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो सम्स हैं वो कैरी करेंगे, कैरी ऑन करेंगे, ओके। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।